हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। नकवी जी, होली का मौका है लेकिन लगता है कि इस बार कोरोना वायरस का ग्रहण लग गया है होली को। देखिए, सब पूरे देशवासियों को, सभी को, मित्रों को, आप सबको, मीडिया को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं तो होली बहुत ही जुनून और जज्बे और जोश जोर शोर से मनाता था, और इस बार जो है वो, क्योंकि ठीक है एक वायरस का एक इशू है भी, लेकिन जो है वो वायरस जो है वो पैनिक नहीं है, प्रिकॉशन की ज़रूरत है। जो कोरोना वायरस से पैनिक की ज़रूरत नहीं, प्रिकॉशन की ज़रूरत। तो ये प्रिकॉशन के तहत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग ना हो, उस वक्त जो है वो अलग अलग तरह के केमिकल रंग वगैरह का यूज़ होता है, तो उससे कहीं और किसी को और कुछ इस तरह का नुकसान ना हो, इसलिए एहतियात है, ये प्रिकॉशन है ओनली। तो पब्लिक, जो देश की जनता, उसको क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी देश की जनता से यही अपील है कि आप पैनिक नहीं, प्रिकॉशन लीजिए और होली को पूरे जुनून के साथ मनाइए, पूरे जो है वो जज्बे के साथ मनाइए, लेकिन प्रिकॉशन के साथ। लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि होली नहीं खेलेंगे कोरोना वायरस को लेकर, लेकिन उनका कहना था कि जो दिल्ली में दंगे हुए उसको भी जोड़ देना चाहिए इसमें। अरे भैया, अब कांग्रेस की दिक्कत क्या है ना, कि उसको जो है वो हर चीज़ में जो है वो एक नया जो है वो अपना उसको जोड़ने का जो है वो उनका आदत पड़ गई है कि इसको जोड़ दीजिए आप। कांग्रेस पार्टी ने कुछ और जो है वो उसका प्रस्ताव भाज भेजा है, उसको भी जोड़ दी। अरे भैया, जो हो है उसको आप पहले देखो, दुनिया भर का जोड़ने जोड़ते रहोगे तो आप पूरी तरह से घटते रहोगे। आगे साहब, इस बार लुटियन जोन की जो होली है फीकी रहेगी, आपके यहाँ भी मस्ती होती थी? नहीं, नहीं, आपको हम गुजिया खिलाएंगे, आपको हम मिठाई खिलाएंगे, आपको हम बढ़िया जो है वो ठंडी पिलाएंगे। होली नहीं खेलेंगे तो क्या हुआ? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। होली नहीं खेलेंगे, प्रिकॉशन है, और सबसे बड़ी बात एक बात कहेगी, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन ये जो होली नहीं खेलने की जो अपील है वो इसलिए है ताकि ये खतरा जो है वो फैले नहीं, लोग पैनिक ना करें, सिर्फ प्रिकॉशन ले होली में, भले ही आप अपने हिसाब से मस्ती करें। कैमरा धीरज साहब के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।